फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आ गए अपने घर में। जो हमने एंटीना बनाया था उसे हम ले आए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इसे जो है हम आज अपनी दुकान पे, जो लगभग यहाँ से 400 मीटर दूर है, वहाँ पे कनेक्ट करने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलपीडी एंटीना और ओमनी एंटीना लगा हुआ है। तो यहाँ से हम अपने घर तक बिना किसी वायर से वायरलेसली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने वाले हैं। एक साइड हम यूज़ करने वाले हैं डी लिंक का ये वाईफाई राउटर 600, और इसमें कोई रिपीटर मोड नहीं है। इसमें लैन केबल लगाएंगे और तभी इसमें इंटरनेट चलेगा, क्योंकि इसमें एक एंटीना है तो एक एंटीने वाला ही हम यूज़ करें। दो एंटीने वाला हमारे लिए इस एंटीना के साथ जो है सही ढंग से काम भी किया था। तो फिलहाल आप देख रहे हैं एंटीना को हम कुछ इस तरह से फिट करेंगे ताकि अलाइनमेंट उधर को हो। तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं सुरजीत जी के पास आता हूँ। तो फिलहाल फिट कर लेते, फिर करते हैं बात। तो दोस्तों, इसका नाम हमने यागी रख लिया है, और यहाँ पे आपने देखा भी राउटर को हमने थोड़ा सा ढक दिया कपड़े से ताकि इसमें हीट ना जाए। और यहाँ पे देखते हैं अब यागी जो है हमारी दुकान तक पहुँच पाता कि नहीं पहुँच पाता। तो यागी का पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। बात की जाए यहाँ पे 100 Mbps के प्लान की, तो मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड आ रही है, वो हम चेक कर लेते हैं। और दुकान तक ये कितनी पहुंचा देता है वो भी चेक कर लेते हैं। दुकान में फिलहाल ओमनी डायरेक्शन एंटीना है, और ओमनी डायरेक्शन एंटीना के हिसाब से उधर आसपास के वाईफाई आ रहे हैं, संदीप ने हमारे को बताया है। और इस एंटीना की मदद से लगभग हम 25 Mbps तक जो है पहुंच पाए हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं इसके सामने या इसके नज़दीक रखूँगा तो शायद थोड़ी ज़्यादा स्पीड आ जाए, पता नहीं। अब एंटीना तो ऐसे ऊपर है तो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे वाईफाई थोड़ा सा तो होगा ही आगे पीछे करने का। तो लगभग उतनी ही अपलोड डाउनलोड स्पीड सिमिलर टाइप 25-25 तो आ रही है, यानी कि अच्छा एंटीना है ये वाईफाई के लिए। अब बात करते हैं दुकान पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे घर में हमने जो अलाइनमेंट है एंटीना की, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल पीछे से देख के जो है सही डायरेक्शन में कर दिया है। अगर आप भी इसी तरह से लगाएंगे तो पूरा ध्यान रखिए भाई, जब एंटीना का जो पीछे से लेकर आगे तक जो डायमेंशन है वो पूरी अलाइंड हो हमारे दूसरी पोजीशन के ऊपर, और बीच में कोई पेड़ या कोई घर या कोई भी बिल्डिंग या कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट करने का मतलब है बिल्कुल ओपन ऑन दी एयर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे DIR 600M जो राउटर था, इसमें रिपीटर मोड नहीं है, और यहाँ पे हम इसको वैन एक्सेस देके जो है इसका IP एड्रेस अलग से DHCP है और उसको जो है एक्सेस कर रहे हैं। बस हाँ, हम इंटरनेट शेयर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये समझ लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं घर में हूँ, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर एंटीना लगा दिया है संदीप और सुरजीत ने मिलके। यहाँ पे इसकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली हम पाइप पे देखो, ये बहुत अच्छे से जो है लग जाता है एंटीना। और यहाँ नीचे जो है हमने ड्यूल बैंड वाईफाई रिसीवर यूज़ किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास बहुत सारे वाईफाई नज़र आ रहे हैं, बट हमने जो मेनली आगे जो एंटीना था उसके साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पर 57-59 Mbps तक जो है ये दिखा रहा है, बट अगर प्रॉपरली इंटरनेट डाउनलोड स्पीड की बात किया है, जो कि मैंने मोबाइल पे चेक की थी 25 Mbps, बट यहाँ पे इतना अच्छा Mbps आने की वजह से भी जो है लगभग, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारे को 4-5 Mbps से ऊपर नहीं हो पाया। कभी कभी अपलोडिंग जो है 1-2 Mbps हुई, और बस इससे ज़्यादा सिग्नल नहीं मिला। तो हमें डाउट है भी हमारा जो वाईफाई ट्रांसमीटर था जो घर में था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से जो है ऐसा हो पाया, बट ये रिसीवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तभी करके जो इतनी दूर से कैच कर पाया। सो फ्रेंड्स, हमने फिर ये मोबाइल में भी कनेक्ट करने की कोशिश की, सुरजीत ट्राई करता रहा उसके मोबाइल में वाईफाई का नाम जो उसका लोकल था इधर उधर का तो आ रहा था, बट जो घर से यागी नाम था वो नहीं आ पा रहा था। हमने मल्टीपल मोबाइल में चेक किया, बट इसके लिए कुछ हमें और ही एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ेगा। तो हम फ्यूचर में कोई ऐसा राउटर ढूंढ रहे हैं जिसमें सिंगल एंटीना हो और वो प्रॉपरली हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, दूर तक वाईफाई रेंज पहुँचा सकें, या फिर जो है इसी जो डोंगल है इसी में जो है एक्सेस पॉइंट बना के जो है आगे हम ट्रांसमिट करेंगे और कुछ वीडियोस में आपको बताएंगे फिलहाल। तो इस तरह से ये वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया भी किस तरह से हमने 400 मीटर दूर जो है सिंपल ये दो एंटीना यूज़ करके आपस में इनको कनेक्ट करके लगभग 5 Mbps का जो है इंटरमीडिएट जो है डाउनलोडिंग पहुँचा दी, और इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट वाईफाई हुआ। ये 500 रुपये का एंटीना मात्र है, और किस तरह से हम किसी पड़ोस का वाईफाई कैच करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस तरह से एक सजेशन है भी, इस तरह से हम इस राउटर इस मतलब एंटीना के थ्रू जो है इस पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट को कर सकते हैं। और बात की जाए इसकी इंस्टॉलेशन की भी, ये कैसे हमने बनाया था, तो जैसे कि इसमें पूरे एलिमेंट की बात की है तो इसमें 15 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हमने RJ58 वायर जो है लगभग 1 मीटर ली, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और प्योर कॉपर की वायर है। और यहाँ पर जो नंबरिंग दी गई है
वन से लेकर 15 तक, तो 2 नंबर का एंटीना है, उसे हम थोड़ा सा बेंड करेंगे और इसकी जो दूरी है मतलब इसकी जो अलाइनमेंट है 58.6 है, और जिस तरह से आपने नापना है वो जैसे आपको यहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है किस तरह से इसको नापना है, किस तरह से इसको मोड़ना है और पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से जोड़ना है वो आप फोटो में देख सकते हैं। और ये जो 3D प्रिंटेड था वैसे तो लकड़ी के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसका नाप जो है प्रॉपरली बताया गया है भाई 1 नंबर को 2 नंबर दूरी पे कितना रखना है, कितने mm रखना है, जैसे 1 नंबर को 2 नंबर से दूर रखना है 18.3 mm, ये प्रॉपरली इस पूरे फोटो में बताया गया है। और बाकायदा ये यागी एंटीना BGN मतलब तीनों ही फ्रिक्वेंसी में काम करता है, 2450 MHz में काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें 20 एलिमेंट वाला भी आता है फ्यूचर में, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो इस तरह से ये एंटीना था, हमें तो आशा है भी ये एंटीना बहुत ही ज़बरदस्त है, आप बना सकते हैं, नाप और चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो सब बता दी हैं आपको। हमारी वेबसाइट पे अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी हमने 3D एंटीना आज तक बनाए हैं वो सब के ऊपर हमने 15 अगस्त तक की सेल लगाई है, आप या 500 रुपये में कोई भी एंटीना जाके खरीद सकते हैं। तो ये ऑफ़र का फ़ायदा लीजिए और जाके खरीदिए। और इस तरह की बहुत सारी नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और आपको इसके एंटीना से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।